नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रोवर्ल्ड नेटवर्क में। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर ग्रह के बढ़ते तापमान और पृथ्वी के जीवन पर इसके विपरीत प्रभाव ने ये बता दिया है कि आगे का टाइम बहुत खतरनाक होगा और धीरे धीरे ये और भी खतरनाक होता जाएगा। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन विकराल रूप ले सकती है, ये हम नहीं, ये एक स्टडी कह रही है। दरअसल एक एग्रीमेंट है जो जलवायु परिवर्तन का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे पेरिस समझौता भी कहा जाता है। ये जलवायु परिवर्तन के विषय पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे COP21 भी कहते हैं, में 196 दलों द्वारा स्वीकार किया गया और 4 नवंबर 2016 को ये प्रभावी हुआ। तो उस पर पेरिस समझौते ने पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने का एक लक्ष्य बना रखा है। तो वहीं अब एक स्टडी कहती है कि भले ही हम उस लक्ष्य को, यानी कि 2 डिग्री लक्ष्य जो बना रखा है, कि भले ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, लेकिन 2100 तक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष के ज्यादातर दिनों में खतरनाक रूप से गर्म तापमान ही देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों के देशों की बात करें तो भारत, उप सहारा अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। जी हाँ, आगे उन्होंने कहा कि जहाँ ये हिस्से गर्म तापमान के कारण काफी गर्म होंगे, इसके चलते संबंधित बीमारियां ज्यादातर बढ़ेंगी, वहीं दुनिया के कई हिस्सों में बाहरी काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, वहीं दुनिया के मध्य अक्षांशों में भीषण गर्मी पड़ेगी और गर्म तरंगों के साथ। अमेरिका के शिकागो शहर, जो मध्य आबादी का एक उदाहरण है, अत्यधिक उच्च तापमान के खतरों को दर्शाता है। दरअसल शोधकर्ताओं ने बताया कि इसके लिए उन्होंने शिकागो शहर की गर्मी की लहरों में बदलाव को मापने के लिए एक वैश्विक औसत तापमान परिवर्तन और स्थानीय स्केलिंग पैटर्न लैंडस्केप के नमूनों को लिया और यह बात सामने आई कि सदी के अंत तक शिकागो में खतरनाक गर्मी की लहरों में 16 गुना वृद्धि हो सकती है। दरअसल शोधकर्ताओं का सुझाव है कि भले ही हम सीमित करें ग्लोबल वार्मिंग पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तब भी दुनिया 2050 तक 2 डिग्री तक गर्म हो जाएगी। भारतीय उपमहाद्वीप के शोधकर्ताओं की ये स्टडी संचार पृथ्वी और पर्यावरण में प्रकाशित हुई है। टीम द्वारा दिए गए अनुमान हीट इंडेक्स पर आधारित है। दरअसल ये एक मैट्रिक है जो केवल एक निश्चित स्तर पर सापेक्ष आर्द्रता के विचार को प्रकट करती है। इसके अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 2050 तक प्रत्येक वर्ष 50% यानी 50% जो दिन होंगे वो खतरनाक ताप सूचकांक को दर्शाएंगे। इसके अलावा यह भी पाया गया कि 25% दिन अत्यधिक गर्म होंगे। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है, जिसके प्रभाव आगे आने वाले दिनों में कितने गंभीर हो सकते हैं ये स्टडी बता रही है। इसके अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 2050 तक प्रत्येक वर्ष 50% दिनों में खतरनाक ताप सूचकांक देखा जा सकता है। इसके अलावा यह पाया गया कि 25% दिन अत्यधिक गर्म होंगे आने वाले दिनों में। दुनिया के कुछ हिस्सों में ज्यादातर दिन खतरनाक रूप से गर्म हो सकते हैं, ये स्टडी बता रही है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात इस स्टडी को लेकर, जहाँ पे हमने आपको बताया कि आगे आने वाला समय जलवायु परिवर्तन को लेकर कितना गंभीर है, यानी जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए एनवर्ल्ड के साथ। और हाँ, हमारी वेबसाइट www.nworld.com पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। इजाजत दीजिए, नमस्कार।